फरुखाबाद पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। सपा नेता ने कहा कि गैस के दाम 4 गुना बढ़ाने के बाद 200 रुपए कम किए गए, लेकिन जनता सरकार की चालाकी समझती है। इंडिया गठबंधन को लेकर सपा सांसद ने कहा कि ज्यादा सीटें जीतने पर ही जोर दिया जाएगा। वहीं लखनऊ में मंत्री के घर में हत्या और वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। 2024 का चुनाव आने वाला है तो याद आते हैं वो नारे भी जो 2014 में दिए गए थे। कहीं नारा दिया गया था महंगाई खत्म करने का, 400 का सिलेंडर पर ही भाजपा के बड़े बड़े नेता राजघाट पे धरना प्रदर्शन दे रहे थे। आज 1100 की पार सिलेंडर है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी के वो नेता कब सिलेंडर लेके निकलेंगे। जहाँ महंगाई खत्म करने की बात की थी वो सामने है, देश के सामने। जहाँ कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को मिलेंगे, तो अब तक तकरीबन 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलने चाहिए थे 14 से 24 तक। रोजगार भी कि नौजवान अपना इंतजार कर रहे हैं रोजगार का, और उसका भी हिसाब किताब नौजवान लेंगे 24 के चुनाव में। किसानों को कहा गया कि आमदनी दूनी होगी, वो किसानों की आमदनी पूरी तरह से दूनी छोड़िए, किसानों की लागत नहीं निकल रही है, क्योंकि खाद, बीज, पानी, बिजली सबके मूल्य इतने बढ़ा दिए गए हैं कि अब किसानों की लागत नहीं निकल पा रही है। इसी तरह से नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, बुनकर परेशान है, गरीब परेशान है, दलित पिछड़े लोग, जो पिछड़ों का नारा बहुत बीजेपी के लोगों ने दिया था, आज पिछड़े लोग सवाल पूछ रहे हैं, हिसाब किताब मांग रहे हैं कि देश की चाहे बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हों, बड़ी से बड़ी संस्थाएँ हों, या देश का कोई भी विभाग हो, उन विभागों में पिछड़ों की, दलितों की, माइनॉरिटी की, जनजाति के लोगों की भागीदारी आज कहाँ खड़ी है।